ये कहाँ आ गए हम? ये वाटर क्रॉसिंग नहीं है, ये पाइप क्रॉसिंग है भाई। भैया देखो सेम साल कलर स्कीम है, ये देखो ये जैसे वो वैसे। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, आई थिंक द लेग इज टोटली ब्रोकन। भूसा भूसा है, बाकी सब इसके आगे मूसा है। वाह 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 वाह, क्या मुहावरा मार रहे हो भाई। तो दोस्तों अभी आपको एक दिखाते हैं विली, जो कि भाई शानू अभी परफॉर्म करेगा, और ये जो स्टंट है पूरी तरह सेफ है, सेफ जगह में किया जा रहा है, तो आप इसे कभी अटेम्प्ट मत कीजिए बिजी रोड में। That's a beauty, amazing. तो दोस्तों अभी चलेंगे सुमित के मौसी के घर, उन्होंने हमको इनवाइट किया है, उनसे मिलके फिर चलेंगे सीधे घर की तरफ रिटर्न। कैन यू सी माय ब्रदर्स, कितना तकलीफ आप देख सकते हैं ये गाय का, इसको हमको साइड करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस एनिमल। ओहो बहुत असुविधा रहे हो। अरे 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 थिंक द लेग इज टोटली ब्रोकन, पूरा टूट गया है यार पैर इसका, पहले से टूटा हुआ है। ओहो गियर मिस किया था वो ऐसे ही रह गया। क्या यार ऐसा मालिक क्या? हाँ हाँ हाँ, शर्म आना चाहिए यार ऐसा। देखो तो यहाँ के आदमी लोग को कुछ मतलब केयर नहीं, सब कोई किसी को मालूम नहीं, किसी को फर्क ही नहीं। ओह माय गॉड, शिट, कितना तकलीफ यार इसका, बहुत ज़्यादा तकलीफ है इसको। इसका दोनों पैर पूरा मतलब इधर उधर हो गया है पैर पूरा इसका। है छुआ भी लुई जेंदा, हाँ हाँ कितने तकलीफ देखो तो। देखिए रोकी जे कि तुम्हें अपने देखे सान बोलो तो कुंजन गए मंदिर रही, बहुत तकलीफ, बहुत बहुत असुविधा बिचरा। ओहो है हाँ चलवा किसी ने मोर माइंड ऑफ है देखी गिरी।
बहुत तकलीफ। शिट, बहुत तकलीफ है ये। हैं क्या यार, कैसे कैसे रह रहे? देखो हम लोगों का इससे ज़्यादा तकलीफ है क्या? हैं, हम लोग सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इसको देखो, कैसे चलने के लिए भी कितना तकलीफ उसको है। चलो ठीक है, चलो भगवान ताकत दे, है ना? बचपन से ये ऐसे ही है। क्या यार, बहुत तकलीफ। उफ, दोस्तों ऐसी चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदर से रोना आ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। आप देख सकते हैं गाय थी, वो कितनी तकलीफ़ से वो चल रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से वो चल रही थी। उसको एक एक स्टेप, एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता होगा। उसके दोनों आगे के पैर पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। उसको जो रोड क्रॉस करते हैं उसको, उसके लिए 5 मिनट लगता था उसको रोड क्रॉस करने के लिए। हमने एक्चुअली उसको पहले से पॉइंट आउट कर लिया था, मगर हमने सोचा क्यों ना रिटर्न जाके उसकी थोड़ी हेल्प कर दें। वो रोड क्रॉस कर रही थी, तो ऐसी चीज़ें देखने से अंदर से रूह कांप जाती है। हमारे पास इतनी चीज़ें होकर हम स्वस्थ हैं, हमारे पास हाथ है, पैर हैं, फिर भी हम सोचते हैं ये होता। हम अपने से बड़े को देखते हैं, अपने से रईस जिस जो पैसा वाला है उसको देख के सोचते हैं उससे अगर ये होता वो होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मगर आप देख सकते हैं ये ज़िंदगी के लिए लड़ रही है, ये एक एक कदम के लिए लड़ रही है ये गाय। तो ऐसी चीज़ें देखने से अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अंदर से एक ताकत मिलती है कि भगवान ने हमको बहुत स्वस्थ तंदुरुस्त बनाया है, जिससे हम मेहनत कर सकें और अपने जीवन को अच्छी तरह से सुधार सकें। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये चीज़ को ब्लॉग में लिया, ताकि मैं आपसे ज़िंदगी की जो रियलिटी है वो शेयर कर सकूं। ये कहाँ पे ले आए भाई? सुमित भाई, ये कहाँ पे लेके आए तुम? भाई ऐसा कंटेंट मत बनाओ यार, यहाँ की भूसा दम तोड़ दे। भूसा भूसा है, बाकी सब इसके आगे मूसा है। वाह 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 वाह, क्या मुहावरा मार रहे हो भाई। वंस ए लेजेंड सेड। ओहो, मैंने भी कहीं सुना था भूसा भूसा है, बाकी इसके आगे सब मूसा है। भैया ये क्या बात हुई भाई, चांद पे घर बनवाया है क्या मौसी ने? चांद पे घर बनवाया है क्या? एक और रास्ता है, लेकिन उधर इतना बड़े-बड़े होम्स मिलेंगे ना आपका। ओ मेरे मेरी जो भूसा है वो नीचे से निकल जाएगी, वही जो इसके नीचे का जो सामान है सब निकल जाएगा ऐसे होम्स हैं। भाई मुझे तो लग रहा है हम चांद पे जा रहे हैं। अरे यार कॉपीराइट आ जाएगा यार। अरे यार तुम गाने को ले आ रहे हो सामने, कॉपीराइट आ जाएगा। ओ स्लिप्ड, ओके भूसा स्लिप्ड। ओ अमेजिंग रोड्स। भैया ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है भूसा को ऐसे रोड्स पे लाने के लिए। हालांकि भूसा तो लेह लद्दाख पर भी गई है, बट अपने को तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे बाबा किधर से लें? अरे मेरे भाई ये किधर से लेके आ गए?
मेरी भूसा ऐसे में ज़्यादा पीने लग जाएगी यार, तुमको फ्यूल अप कराना पड़ेगा। मेरा जो पॉकेट है वो ऑलरेडी खाली हो चुका है। जरूर जरूर कराएंगे। हाँ जरूर कराएंगे, नहीं करवाओ। ये कहाँ आ गए हम, यहाँ से गांव स्टार्ट। अरे मेरे भाई, ये भूसा को हम गांव में लेके जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मैं स्पीटी विटी जाऊँगा ना, ले लद्दाख जो नेपाल वेपाल राइड मारेंगे, हाँ ये एक एक्सपीरियंस है, छोटा सा एक्सपीरियंस। ये देखो, ये तो नहीं, ये तो ये वाटर क्रॉसिंग नहीं है, ये पाइप क्रॉसिंग है भाई। ये तो लगने ही वाला है शायद। अरे बाप रे, लेट्स सी हाउ द विलेजर्स रिएक्ट फॉर ए सुपर बाइक। Let's make some rap bumps. Hear the boys. Oh. Oh, that one. Arre baap re. Oh, similar to Busa. There is one more bike similar to Busa. Look alike Busa. Yes. Nice. The charisma Zeremar. Hey Sumit, same color scheme I think. Same color. Yes. Let's check it out. Same color scheme. But it has no panels in the lower side. Bullshit. भैया देखो, same साल color scheme है। ये देखो, ये जैसे वो वैसे। अरे देख रहे हो ना? ZMR live। हाँ, एकदम same color scheme है भैया। देखो आप। हाँ तो ये भी तो ZMR ही है, तो कोई नहीं। है ना? अच्छा ये ZMR है? हाँ। अरे मैं तब से भूसा समझ के चला रहा हूँ इसको। ZMR है हम लोग जो अपना मॉडिफाई करते। अच्छा कहाँ पर अपना कराते हैं? उस्मान के पास। मैं तब से भूसा चला रहा हूँ। और 200 इस गाड़ी को ऐसे बनाइए। अच्छा ऐसे। ओनली ओके डन। कैसा लगा आप लोगों को कंटेंट? नहीं बहुत बढ़िया। नहीं अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बताएंगे कि मॉडिफाई कैसे हुआ है बाइक। हाँ, है ना? मॉडिफाइड कुछ। हाँ पूरा चेचिस को, इंजन को एकदम चेंज करके आया। भूसा का चोरी का माल लगाया गया। ऐसा है? हाँ। अच्छा चलिए। तो फोक्स, ये हम आ गए झारसुगड़ा के बीचों बीच, और ये हम निकल रहे हैं झारसुगड़ा के अंदर से, टाउन के अंदर से होते हुए हम निकल रहे हैं। और शाम का टाइम है इसलिए काफ़ी भीड़ भी है। ये जो है वो मेन मार्केट एरिया है, तो हम वहीं से निकल रहे हैं। सुपर बाइक्स के लिए ये अच्छी रोड नहीं है। बारिश हो रहा है वो रास्ता से जाते तो नहीं होता। चलो रिकॉर्डिंग।